The topic of today is practical application of Samhita in clinical practice. So I'm really looking forward to this. Okay. See, the clinical practice में जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें संहिता को और बेस लेना चाहिए, हाउ टू ब्रिज बिटवीन द संहिता एंड द क्लिनिकल प्रैक्टिस, सो इट इज वेरी इजी. वी आर हैविंग सो मेनी टॉपिक्स एंड सो मेनी बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे हमें ये कॉन्सेप्टुलाइज होता है कि हमें एक्चुअली किस तरीके से संहिता को सोचना है. सबसे पहले व्हेन वी स्टार्ट इन संहिता, व्हेन वी आर इन फर्स्ट ईयर, लाइक वी रीड अष्टांग हृदय, सो व्हेन वी स्टार्ट अष्टांग हृदय वी ऑलरेडी वी ऑलमोस्ट एवरीवन हैव स्टार्टेड देयर अष्टांग हृदय फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. So, but the main thing is when you are in practical way, when you think in practical way, you should start the Sahita from chapter number 11. Like this is the first way. On this way, we can see Vat, Pitt aur Kapha ke jo concept hain, wo 11, 12 and 13 chapter mein properly diye hue hain. To pehle conceptualize hota hai ki yes, after chapter number 1, we should immediately start Vat, Pitt and Kapha chapter. Right. And on the basis of that, Vat and pit and cough, you can easily judge कि वात जो है वो बढ़ता है तो कैसे होता है, कम होता है तो कैसे होता है, वात के क्षय, वात के प्रकार, वात के वृद्धि, वात की ऑल कंडीशंस आप समझते हो और उसको विजुलाइज करते हो कि पेशेंट में वात अगर होगा तो वात की नॉर्मल कंडीशन ये है, एबनॉर्मल कंडीशन में वात के वृद्धि के लक्षण ये क्रिएट होते हैं, क्षय के लक्षण ये क्रिएट होते हैं, उसके पांच प्रकार ये हैं, बॉडी में पांच प्रकार की जो लोकेशन है वो ये है, और उन लोकेशन के बेसिस पे ये जब एबनॉर्मल होते हैं, जब उनकी दुष्टियां होती हैं, तो वो कैसे लक्षण क्रिएट करते हैं. दिस इज अ प्रैक्टिकल वे टू थिंक फ्रॉम द संहिता. उसके ट्रीटमेंट को भी उन्होंने 13 चैप्टर में विजुलाइज किया है. व्हेन वी आर सपोज यू आर रीडिंग वात, तो आप वात को सब समझते हो कि वात के नॉर्मल जो फंक्शन है वो ये है, वात के गुण ये हैं. अब वात के जो वृद्धि लक्षण है, सपोज उसमें आता है कृष्णता काशिरता, मतलब की ब्लैकिश डिस्कलरेशन एंड डलनेस ऑफ द कलर एज वेल एज कृशता, बॉडी में अगर बहुत ज्यादा वेट डिटोरिएट हो रहा है. तो सिंपल ये दो एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि वात की वृद्धि के लक्षण है. वात वृद्धि की चिकित्सा क्या बताई है, तो हम चैप्टर नंबर 13 उठाते हैं, उसमें लिखा है वातस्य उपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधने मृदु. तो वात में जब हमारे पास ब्लैकेज डिस्कलरेशन का कोई पेशेंट आता है, उसे सडनली ब्लैकेज डिस्कलरेशन हुआ है, तो चिकित्सा क्या है, स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन. तो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर. उसमें स्नेहन, लाइक हाउ टू डू स्नेहन, द चैप्टर इज ऑलरेडी इन द आफ्टर 13, यू इफ यू गो टू द 14-15 चैप्टर देन यू कैन फाइंड कि अरे बड़ी आसानी से बताया है कि स्नेहन ऐसे करना है. स्नेहन करने के दो फिर से सेगमेंट क्रिएट होते हैं कि स्नेहन बाह्य रूप से करना है, एक्सटर्नल वे में करना है या इंटरनली करना है. इंटरनल स्नेहपान के फिर से सब डिवीजन 16 चैप्टर हमें बता देता है. तो जब हम 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर को एक दूसरे से ब्रिज करते हैं, क्लब करते हैं, तो फर्स्ट ईयर से ही हमें ये समझ में आता है कि सपोज वी आर रीडिंग वात, सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वात, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ वात एंड व्हाट आर द एबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ वात. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजिली थिंक कि इस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट में स्नेहन स्वेदन और मधु संशोधन देना है. विच टेस्ट वी हैव टू सिलेक्ट, मधुर अम्ल और लवण देना है. इन 13 चैप्टर दे हैव गिवन कि मधुर अम्ल और लवण को यूज करिए वात के ट्रीटमेंट में, और 10th चैप्टर में उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि मधुर रस से क्या होगा, अम्ल रस से क्या होगा, लवण रस से क्या होगा. सो इट इज वेरी इजी, यू कैन इजिली जज द थिंग्स कि भाई हमने वात के बारे में गुण पढ़े, उसके लक्षण पढ़े, उसमें खराबी पड़ी और उसके ट्रीटमेंट को पढ़ा, और उसमें ट्रीटमेंट में जो रस आए उनको 10th चैप्टर से यूज किया. ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ये इट इज नथिंग बट तंत्रयुक्ति. तंत्रयुक्ति हमको लास्ट में पढ़ाई जाती है और समझाया नहीं जाता कि तंत्रयुक्ति को यूज कैसे करना है. तो फर्स्ट चैप्टर में जब ने वात के गुण पढ़े और ये बताया कि दीर्घ जीवन कैसे हो, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें समझ में आया कि वात जब नॉर्मल रहेगा तो दीर्घ जीवन रहेगा, तो वो उसकी अधिकार तंत्रयुक्ति थी और उसका यूज था. उसके बाद हमें वात के गुण जब आए, वात पित्त और कफ के गुण आए चैप्टर नंबर 11 में, तो ये पता चला उसके अधिकार तंत्रयुक्ति किसे, कि इन पूरे चैप्टर की डिटेलिंग हमें मिल जाएगी. तो दैट इज नथिंग बट द यूज ऑफ अधिकार तंत्रयुक्ति इन चैप्टर्स. So if you are having knowledge of tantrayukti, then you can easily utilize this thing in practice. बड़ी आसानी से आप practice में उसे utilize कर सकते हैं. अब आपकी body के जो पूरी body में elements हैं, कि ऊपर प्राणवायु है, फिर उदान वायु है, फिर समान वायु है, फिर अपान वायु है, और पूरी body में व्यान वायु है, ये अगर calculation हमें है, तो उसके जो कर्म है अगर वो खराब होंगे
तो ये हमें समझ में आता है कि अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो उन एरियाज में हमें देखने मिलेगा. सपोज द सेंसेशन लॉस इज देयर इन द सेंसरी एरिया, देन प्राणवायु इज दुष्ट. देन हाउ टू डील विद द प्राणवायु, वेन टू गिव द मेडिसिन इन प्राणवायु, इट इज मेंशन इन चैप्टर 13 लास्ट श्लोक कि औषध के सेवन काल है. तो प्राणवायु के जब औषधि देनी होगी तो हमें ये ध्यान में आएगा कि हमें चैप्टर नंबर 13 का औषध सेवन काल को यूटिलाइज करना है. अगर उदान वायु का पेशेंट है उसमें बोल रहा है कि वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया दीज आर द फंक्शन ऑफ उदान वायु. वाक प्रवृत्ति उसे बोलते, अगर हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनमें बोलने में बहुत डिफिकल्टी होती है या उन्होंने लेट स्टार्ट किया रहता है, देन वी हैव टू ट्रीट द उदान वायु. वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा, उनकी एंथुसियाज्म लॉस हो रहा है तो दिस मींस उदान वायु इज अफेक्टेड. सो उसके लिए ट्रीटमेंट कब देना है उदान वायु के काल में, तो उन्होंने बताया कि दिन के भोजन के बाद आपको देना है. योर होल बॉडी इज somewhat रिलेटेड विद द व्यान वायु. कुछ भी छोटे से बड़े फंक्शन होंगे वो सब व्यान वायु के से ही होंगे. तो हमें उदान और व्यान वायु के लिए दिन के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद उसे औषधि देनी चाहिए. दिस इज अ प्रैक्टिकल यूज विच वी गॉट इन फर्स्ट ईयर ओनली. फर्स्ट ईयर अष्टांग हृदय हमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स बताता है. सेकेंड ईयर में अब जब जाते हैं तो अलग वे में लेते हहैं और कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाते हैं. जो जो हमने वात पित्त और कफ पढ़ा था उसी के बेसिस पे हम आगे जाके स्रोतस पढ़ते हैं. फिर स्रोतस भी एक जगह पर लिंक करके संहिता में नहीं लिखा है लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स पे लिखा है. व्हेन यू रीड चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 दे हैव मेंशन देयर आर 3 सेगमेंट्स, हेतु लिंग एंड औषधि. ये तीनों हमारे लिए यूज होंगे. अब हर एक चीज में यही तीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे चाहे वो कोई भी डिजीज हो. अब हम जब स्रोतस में इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो बड़ी आसानी से हमें मिलता है कि स्रोतस के दुष्टि हेतु जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 विमान स्थान में दिए हैं. कोई भी स्रोतस आप उठाइए चरक ने चैप्टर नंबर 5 विमान स्थान में दिए कि प्राणवा स्रोतस हो, उदान व प्राणवा स्रोतस हो, उदक व स्रोतस हो, अन्न व स्रोतस हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जितने भी स्रोतस हैं उनके इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी हेतु चैप्टर नंबर 5 विमान स्थान में मिलेंगे. लेकिन उनके लक्षण चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में मिलेंगे. तो एच इज इन चरक विमान स्थान 5, लक्षण इज इन चरक सूत्र स्थान 28. तो 28 में हमें मिला कि रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, मांस व स्रोतस, अस्थि मज्जा शुक्र जितने भी धातु से रिलेटेड स्रोतस हैं उनके लक्षण हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में मिल रहे हैं. ट्रीटमेंट भी चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में इन 7 हेतुओं के मिल जाएंगे, इन 7 स्रोतसों के. सो HLA ट्राइंगल का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सेकेंड ईयर में जो हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है हेतु लिंग और औषधि के बेसिस पे ही प्रैक्टिस करें, वो हमें उसका इंप्लीमेंटेशन आता है स्रोतस में. अब उस स्रोतसों में हमें ये पता चला कि प्राणव स्रोतस, अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस इन चीजों से खराब होते हैं. उसके हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखें तो हमारे पास जब हम प्राणव स्रोतस की बात करते हैं जैसे कि अभी सबसे ज्यादा कोविड में वही कंडीशन सबसे ज्यादा सामने भी आई तो हम देखते हैं कि वहां लिखा होता है शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्यता. शयात मतलब बहुत देर तक भूखे रहने से यानी कि धातुओं के क्षय हो जाने से. ये हमें प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पेशेंट में मिलता है और यही इसी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि उसी को तंत्रयुक्ति यानी कि युक्ति लगा के हम तंत्रयुक्ति यूज कर रहे हैं कि अगर आप बहुत देर से भूखे रह रहे हैं, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो अपने आप को नरिश करें. तो प्राणव स्रोतस में पहला हेतु लिखा है शयात. संधारणा आप कौन कौन से हेतुओं का संधारण करते हैं तो दिस इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एंड यूज ऑफ अतिदेश तंत्रयुक्ति. जो आप नावेगान धारणी अध्याय में जाते हैं और देखते हैं कि किन किन चीजों का धारण करने से प्राणव स्रोतस होता है तो आपको पता चलता है इतनी वायुओं के चीजों से आपको ये संधारण होता है. शयात संधारणा तो रोक्षात वृक्ष चीजों का इंप्लीमेंटेशन चरक सूत्र स्थान 27 में बताया है जो कि अन्न की पूरी वृक्ष चीजों को बताता है जहां से आपको मिलता है. चने से होता है, मुरमुरे से होता है, अगर आप चने की दाल खाते हैं तो होता है, अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फूड अगर आप ले रहे हैं तब हो रहा है. आप अगर जंक का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स का इंटेक कर रहे हैं तब आपको वात प्रकोप हो रहा है, तब आपका प्राणवायु खराब हो रहा है. शयात संधारणात रोक्षात व्यायाम अगर गलत तरीके से एक्सरसाइज आपकी हो रही है तब भी आपका प्राणवा स्रोतस खराब होगा. एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज को करना, वो वाला सेगमेंट भी इंप्लीमेंटेशन में आता है. शुद्धितस्यचा कितनी देर तक भूखे या पैसे रहना, ये सारे सेगमेंट आपको क्लियर करते हैं कि दीज आर द इटियोलॉजिकल एंड हेतु ऑफ प्राणवा स्रोतस. इनके लक्षणों में जब हम जाते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि देयर इज कंडीशन ऑफ सीओपीडी
एज वेल एज डिस्निया के सारे ग्रेड उन्होंने बताए हैं. ऑल द ग्रेड्स आर मेंशन इन चरक विमानस्थान 5 कि उसमें मुहर मुहर या धीरे धीरे करके आपको सांस आती है और बड़ी डिफिकल्टी से आप ब्रीद कर पाते हैं, ये लक्षण हुआ. दिस इज अ क्लिनिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ HLA ट्राइंगल थ्योरी. हेतु लक्षण एंड औषधि की जो थ्योरी हमने डिफाइन करी उसको स्रोतसों में उसका इंप्लीमेंटेशन किया और पेशेंट से ये एटियोलॉजिकल फैक्टर लेके उनके लक्षणों को हमने लिखा कि हाँ इससे डिस्निया क्रिएट हो रहा है और पेशेंट हमारे पास डिस्निया के और यही सारे फंक्शंस लेके डिसफंक्शन लेके आता है कि सर मुझे डिस्निया हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है. तो हम प्राणवा स्रोतस को उसको ब्लॉक करते हैं, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को लेते हैं. और व्हेन व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट विच इज मेंशन इन चरक विमानस्थान 5, इट इज अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ अतिदेश तंत्रयुक्ति. द आंसर इज श्वसनी क्रिया. श्वसन में जब आप श्वास की जो चिकित्सा करने वाले हैं वही प्राणवा स्रोतस की चिकित्सा है, एक लाइन में लिखा है. अब इसको डीकोड करने के लिए आपको फिर से श्वास अधिकार चरक चिकित्सा में जाना पड़ेगा. चरक चिकित्सा चैप्टर 17 में लिखा है कि ये श्वास की चिकित्सा है. सो वो वर्ड जो है प्राणवा स्रोतस की पूरी चिकित्सा एलेबरेट करके श्वास की चिकित्सा में लिखी है. जस्ट यू हैव टू ब्रिज द थिंग्स और एक एक जो पैरामीटर है उसको टच करते जाएंगे तो पूरी संहिता आपके सामने आ जाएगी. तो श्वास की चिकित्सा में भी व्हेन वी गो टू द श्लोक नंबर 75 एंड 142, इट इज क्लियरली मेंशन इन 75 श्लोका दैट यू हैव टू गिव द लोकल स्नेहन एंड स्वेदन. अगर श्वास उस टाइम पे हो रही है तो आप लोकल स्नेह और तिल तेल और सैंदव को लें और चेस्ट एरिया में रब करें, ऑयलिंग करें और पोटली के साथ उसका स्वेदन करें. दिस इज द क्लिनिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्नेहन स्वेदन चैप्टर इन टर्म्स ऑफ प्राणवा स्रोतस दृष्टि. उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर आपके ट्रीटमेंट जो है आपको जनरलाइज जो ट्रीटमेंट देना है तो सर्वेशम ब्रहणी क्रिया, मतलब कि सारे प्रकार के ब्रहण का यूज करना है. तो दैट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ चैप्टर नंबर 22 लंगन ब्रहणी अध्याय. करक सूत्र स्थान 22 इज मेड लंगन ब्रहणी अध्याय. विच काइंड ऑफ ब्रहण यू हैव टू यूटिलाइज. ब्रहण में हमें यह समझ में आता है कि सारे धातुओं का जो पुष्टि करता है वो ब्रहण होता है. तो दो सेगमेंट हमारे सामने आते हैं. देन अगेन देयर इज अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4 सूत्र स्थान चरक ब्रहणी महाकषाय. ब्रहण करने वाले महाकषाय की 10 ड्रग्स की लिस्ट आपको मिल जाती है तो ब्रहण करने के लिए वो यूज होगी. सेकेंड इज रस चरक चिकित्सा अध्याय 1 रसायन चिकित्सा. ऑल द थिंग्स विच आर मेंशन इन रसायन दे ऑल आर सप्त धातु पोषक एंड ब्रहणी. सो द रसायन इंप्लीमेंटेशन वी कैन डू इन श्वास चिकित्सा. So this is the implementation of Sahita and from various chapter you can utilize and you can think and you can make one pathogenesis and on the basis of pathogenesis you can treat the patient according to Sahita only. If your base is Sahita then you can confidently say why you have used this drug and on what basis you have selected this drug. तो आप Sahita का reference देते हैं, बड़ी आसानी से बता पाते हैं कि सर ये ब्रहण लिखा है, ये रसायन में ब्रहण लिखा है, ये ब्रहण के 10 drugs हैं, that's why we have used it. They have mentioned श्वास की चिकित्सा करनी है. श्वास की चिकित्सा में लास्ट में उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि सारे प्रकार की श्वास में आपको ग्रहण की चिकित्सा देनी है. सो दिस इज अ वन वे. द सेकेंड इज प्रत्यात्म वे. डायरेक्टली बताया है श्वास की चिकित्सा करनी है, जो श्वास में आने वाली मेडिसिन है उनको डायरेक्टली यूज करिए, जैसे कि अगस्त हरित की डायरेक्टली यूज करिए. इन द सेम वे वेन वी गो टू द रसव स्रोतस, आपको ऐसे ही मिला है, उसमें मिलता है गुरु शीता मति स्निग्धम गुरु शीतम अति स्निग्धम शमशनात रसवाहनी दुष्यंती चिंतनाम अति चिंतया. तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मैक्सिमम कंडीशन में रहते हैं चिंतनाम अति चिंतया. दिस इज अ मेजर दृष्टि ऑफ रसवा स्रोतस. वन इज स्ट्रेस एंड सेकेंड इज ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग मीन्स चिंतन एंड चिंता मीन्स अनड्यू स्ट्रेस. इनके जो पेशेंट हैं ये सब रसव स्रोतस दृष्टि के हमारे पास आते हैं और बोलते क्या है, अश्रद्धा अरुचि आस्य व्यस्तता उल्लास, भूख नहीं लग रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे सर, इनफर्टिलिटी की ट्रबल आ रही है. ये सारी जो चीजें हैं चरक सूत्र स्थान 28 में एक लाइन से लिखी हुई है. दिस इज अ क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रसव स्रोतस दृष्टि. गुरु शीता मति स्निग्धम अति मात्रम समशनात रसवाहनी दुष्यंती चिंतनाम अति चिंतया. गुरु, आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों से आप अगर डाइट वाइज पूछेंगे तो वो बार बार आपको बताएंगे कि सर हम पनीर का इंटेक बहुत करते हैं, नॉनवेज इंटेक बहुत ज्यादा है, स्पाइसी इंटेक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डीप फ्राई हम खाते हैं. गुरु शीत अति स्निग्ध, बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफी का इंटेक है, दूध बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ठंडी चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं. दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस हेतु. दिस इज अगेन अ यूटिलाइजेशन ऑफ HLA ट्राइंगल थ्योरी.
हेतु वहां पर आए, लक्षण उन्होंने सरक सूत्र स्थान 28 में बताए, और चिकित्सा बोली सर्वेशम लंघनम, सारे प्रकार के लंघन, सारे प्रकार के लंघन कहीं पर मेंशन नहीं लगता था, इसका भी लिंक आया चरक सूत्र स्थान 22 में, लंघन ग्रहणीय सारे प्रकार के लंघन में पता चला कि चारों प्रकार के जो शोधन है वमन विरेचन निरुबस्ती और शिरो विरेचन, ये चारों के चारों सेगमेंट लंघन के अंदर है। तो जितने भी रस्व सूत्र के आपके पास पेशेंट है दे ऑल आर द इंडिकेटेड पेशेंट ऑफ लंघन, इट मीन्स शोधन चिकित्सा। सो इन दिस वे वी कैन इंप्लीमेंट इट, और उसके बाद पता चलता है कि लंघन ये लिया है तो इसका फिर से क्लबिंग होती है चरक के कल्प स्थान से, कि वमन के लिए जो ड्रग यूज होने वाले हैं वो ये हैं, और इनके इम्प्लीमेंटेशन आपको ये पता चलते हैं कि सपोज कोई भी चैप्टर है आपको ज्वर दुष्टि है, सपोज रस्व स्रोतस में ज्वर दुष्टि है, और उस ज्वर में आपको ये पता चलता है कि ज्वर के तो मल्टीपल जोन हो गए, फिर से डिवीजन हो गए, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि वमन कब देना है विरेचन कब देना है। तो ये रस्व स्रोतस का जो बेस है वो आपको बताएगा कि इन इन सिचुएशन में आपको वमन देना है, इसमें विरेचन देना है। सपोज रस धातुगत ज्वर होगा तो आपको वहां वमन देना है, रक्त धातुगत ज्वर होगा तो वहां विरेचन देना है, मांस धातुगत होगा तो फिर से वमन देना है। तो ये जो आपको इम्प्लीमेंटेशन एंड सिलेक्शन होता है ये संहिता आपको एक दूसरे चैप्टर से लिंक करके बताती है। हर बार हमें ये लगता है कि हाउ टू डीकोड दिस वर्ड्स, कि कैसे डीकोड करें, तो आप संहिता को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ना लेकर एक साथ क्लब करके चेक करें कि इनकी लिंकिंग कहां पर है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यू शुड रीड इंडेक्स प्रॉपरली कि एंड सिंप्लीफाई योरसेल्फ, आपकी बॉडी को आप एनालाइज करिए, आपकी बॉडी के मेन तत्व जो है उसमें लिखा हुआ है कि वात पित्त और कफ है, सिंपल वात पित्त और कफ से हमारी बॉडी बनी है, फिर लिखा है कि सात धातुओं से हमारी बॉडी बनी है, फिर लिखा है तीन मल से बनी है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको आप इंडेक्स से ये सर्च करना चालू करिए कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके जब खराब होते हैं या आगे बढ़ते हैं या कम होते हैं या वृद्धि होती है क्षय होता है तो कैसे सिलेक्ट करें। सो जब वो सिलेक्ट हम कर लेंगे तो हमें बड़ी आसानी से डीकोड होना शुरू होगा कि हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट ये हैं, पैथोलॉजिकल आस्पेक्ट में वात की वृद्धि वात का क्षय ये है, पित्त की वृद्धि पित्त का क्षय ये है, कफ की वृद्धि कफ का क्षय ये है। उसके बाद इनके पांच पांच प्रकार है, उनके वृद्धि क्षय के लक्षण ये है और उनके लोकेशन ये है। इन सब के बाद हमें ये पता चलता है कि धातुओं के वृद्धि क्षय के लक्षण ये हैं और उनकी लोकेशन स्रोतसों में है, तो हमें इन सब के ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब मल में भी वृद्धि क्षय के कारण हमें पता चलेगा, तो व्हेन यू क्लब द इनिशियल इनपुट दैट इज नथिंग बट द फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट, देन द पैथोलॉजिकल आस्पेक्ट, देन द ट्रीटमेंट आस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, अदर देन दिस यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप सिंपली ये समझिए कि हमारे फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट दोष धातु और मल है, वो हमारे सेलुलर लेवल से लेके पूरी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक है, उन्हीं की जो वृद्धि और क्षय के लक्षण है उनको एक जगह कंपाइल करें और उनके बेसिस पे ट्रीट करें कि वृद्धि है तो ये ट्रीटमेंट है, कम है तो इसको ऐसे बढ़ाना है। सिंप्लीफाई करके आप अपने बेसिक्स पे अगर काम करेंगे तो आपको सिर्फ दोष के वृद्धि और क्षय, धातुओं के वृद्धि और क्षय, मल के वृद्धि और क्षय, ये तीन सेगमेंट्स आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको स्रोतसों के जो दुष्टि लक्षण है उनको याद करना है। सिर्फ इनके बेसिस पे आप बेसिक प्रैक्टिस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। ये एक हुआ कॉन्सेप्चुलाइज एंड संहिता बेस, जो कि आज का टॉपिक था, उसके बेसिस पे समझना। इसके बाद होता है प्रत्यात्म चिकित्सा, जो कि ग्रंथों ने डायरेक्टली दे दी है। ज्वर की चिकित्सा ये है, आपको अधिकार के हिसाब से यही मेडिसिन यूज करनी है। आपको ज्वर के लक्षण मिलते हैं, डायरेक्टली यूज इट। फिर आपको रक्त पित्त के लक्षण मिलते हैं, डायरेक्टली यूज इट। आपको योनि व्यापक की ये सिम्टोमोलॉजी मिलती है, देन डायरेक्टली यूज इट। दिस इज अ सेकंड मेथड टू कनेक्ट योर संहिता विद द प्रैक्टिस। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, सीधे अधिकार तंत्र युक्ति को यूज करिए, ज्वर के लक्षण आपको मिलते हैं, सिंपली उसको रीड आउट करिए और उसी के बेसिस पर ट्रीटमेंट डिजाइन करिए। दिस इज अ सिंपलेस्ट वे, सेकेंड वे। एंड द थर्ड मोस्ट इजी वे नाउ डेज की संहिता बेस में जो सेगमेंट्स हैं उनको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर लें। एक आहार के दृष्टिकोण से जो सारी डिजीजेस हैं उनके डाइट प्लान्स को निकाल लें। सेकेंडली विहार के दृष्टिकोण से उनके जो एक्सरसाइज मॉड्यूल है और योग को निकाल लें। ट्रीटमेंट के बेसिक बेसिक वे, जैसे कि जो स्रोतसों के दृष्टि बताई है उनके लक्षणों को इकट्ठे कर लें। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, ऐसे जो लक्षण आ रहे हैं, जो सारी डिजीजेस आ रही हैं, उनको पार्शली डिवाइड कर लें कि उनके वो कौन कौन से स्रोतसों के अंडर आ रही हैं और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स को चालू कर दें। बेसिक प्रिंसिपल जैसे ज्वर, लंघन,
ज्वर की चिकित्सा लंघन है, तो हमें लंघन की जो वेराइटीज है वो हमारे सामने आ जाए, जो पेशेंट जैसे लक्षण लेके आएगा उसको ट्रीट कर दें। यहां पर किसी ने अभी एक कमेंट किया था कि एलोपैथी इज बेस्ट, वाई सो, बिकॉज इतनी जो हम बात कर रहे हैं वो संहिता के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन संहिता में बहुत सारे डायरेक्ट क्लूज भी हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्लूज भी हैं। जैसे कि हमें अगर हम देखें कि आयुर्वेदा जीपी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतने कॉन्सेप्ट समझना नहीं है तो हम कैसे करें, बट वी वॉन्ट टू डू आयुर्वेदा प्रैक्टिस, हम एलोपैथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हमें इतना समझ में नहीं आता कि वात की वृद्धि के लक्षण क्या थे, क्षय के लक्षण क्या थे, तो बस ये तो पता है कि वात के गुण क्या थे, उसके विपरीत बस सोचना है और उसके बेसिक प्रैक्टिस शुरू करनी है। स्नेहन क्या था, स्नेहन क्या था, सो दिस इज अ प्रत्यात्म चिकित्सा बैकग्राउंड विच इज वेरी यूजफुल इन जनरल प्रैक्टिस वे। आपको अगर बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है, कॉन्सेप्चुलाइज बहुत ज्यादा नहीं जाना है, तो आप पहले शुरुआत तो करें, धीरे धीरे आपको खुद ही ये फील आने लग जाएगा कि हमें ग्रंथ बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए तो हमें बड़ी आसानी से इसको ट्रीट करने मिलेगा। जैसे कि गृहिणी में अगर कंडीशंस आती हैं तो हमें अग्नि की बहुत सारी कंडीशंस उसके बेसिस पे ही पता चल जाती हैं, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रीट द गृहिणी अर्श एंड अतिसार, जस्ट यू हैव टू रिवाइव द अग्नि, सिर्फ अग्नि की चिकित्सा करके आप उसको तीनों को ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपलेस्ट वे कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, देन स्टार्ट विद द बेसिक्स। अग्नि की ट्रीटमेंट करना, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, अग्नि पढ़ा था, निद्रा पढ़ा था, धातु पढ़े थे, स्रोतस पढ़े थे, उनको फर्स्ट ईयर को अपना बेस बनाइए और ये सोचिए कि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट। तो आपको जो चीजें नॉर्मल थी उसके उससे ये समझना है कि एबनॉर्मल कैसे हो। वात में अगर रुक्षता थी, अगर ये बहुत ज्यादा रुक्षता हो गई तो हमें उसको ट्रीट करना है। सो वॉट इज द बेसिक प्रिंसिपल कि रुक्ष है तो उसमें स्निग्ध आएगा, ये हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, गुण विपरीत चिकित्सा। दिस इज द थिंग विच वी डू। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आप उसको लिब्रिकेट करेंगे। अगर आपके हेयर्स, आपका स्किन में अगर डार्कनेस है तो आप ये कोशिश करेंगे वो नॉर्मल स्किन टोन पे आए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बाल में ड्राइनेस है तो ये वात की वजह से, कलर स्किन कलर अगर डल हुआ है तो ये वात की वजह से, अगर होंठ सूख गए हैं या फिर अगर लिप्स में ड्राइनेस आ रही है तो ये वात की वजह से, स्किन ड्राई हो रही है तो वात की वजह से। दिस इज अ सिंपल वे विच ऑल द आयुर्वेदा स्टूडेंट नो, ये बड़ी आसानी से सबको पता होता है। सो जस्ट वी हैव टू थिंक व्हेन हेयर्स आर ड्राई वी हैव टू लुब्रिकेट इट। तो व्हाट वी हैव टू डू, स्नेहन, द बेसिक स्नेहन इज व्हाट, तिल तेल, देन यू हैव टू अप्लाई द तिल तेल ओवर इट। अगर आपको लग रहा है स्किन डल हुई है, व्हाट वी हैव टू डू, स्किन जो है वो भ्राजक पित्त का सेगमेंट है और साथ ही साथ वात आपका डिस्टर्ब हुआ है, देन यू हैव टू डू द टू थिंग्स। तो भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए गाय का घी है, क्योंकि गोघृत उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है, और वात को ट्रीट करने के लिए स्नेह है। तो द गोघृत इज द सिंपल ट्रीटमेंट फॉर द डार्कनिंग ऑफ स्किन। अलॉन्ग विद दैट, स्किन पे काम करने वाले जो सिंपल ड्रग है, जो आपको मालूम होते हैं कि निम है और चंदन है, और चंदन जो है वो त्वचा को वर्ण क्रिएट करता है, तो चंदन आदि घृत इज द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ द डार्कनिंग ऑफ द स्किन। इन दिस वे व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग, व्हेन यू नो ओनली द फ्यू थिंग्स, देन ओनली यू कैन ट्रीट द पेशेंट वेरी इजिली। ड्राई हो रहे हैं, अगर लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो इंटरनल स्नेह की आवश्यकता है, स्किन ड्राई हो रही तो इंटरनल स्नेह की आवश्यकता है, देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रहण स्नेह विच इज अलॉन्ग विद द फूड, यू हैव टू गिव द स्नेह इन मोर क्वांटिटी, इन दिस वे यू कैन ट्रीट द पेशेंट। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द संहिता, यू कैन ट्रीट द पेशेंट वेरी इजिली। सपोज यू आर हैविंग बर्निंग सेंसेशन, सिलेक्ट द फाइव शीत द्रव्य एंड गिव इट, ऑल द तिक्त द्रव्य विच आर पित्त शामक एंड शीत इन नेचर यू जस्ट सिलेक्ट, दीज आर सिंपल, निम्ब एंड चंदन आर द सिंपलेस्ट ड्रग, यू जस्ट सिलेक्ट द निम्ब एंड चंदन, यू कैन रिड्यूस द हीट ऑफ द बॉडी। अलॉन्ग विद दैट, नागरमोथा एंड अनंता इज द सिंपलेस्ट ड्रग। So you don't have to read much in Sahita. You don't have to go in deep for the initial practice. But when you go in deep, you will feel it is more interesting and more in easy format. So what we actually do, we always think in a very difficult way. अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, chapter number 1 से चालू किया था तो chapter number 30 पे गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको ये समझना है कि मैंने वात पित्त कब जाना था physiology में, मैंने क्रियाशारी में पढ़ते टाइम वात पित्त कफ समझा था, तो मुझे को संहिता में वात पित्त कफ कहां मिलेगा। और उन्हें हमें टेक्स्ट बुक ना लेके संहिता पढ़ना चाहिए और क्लब करना चाहिए इंडेक्स से कि मैंने वात के आज गुण समझे तो संहिताओं में कहां कहां पर दिए, वो गुण अगर मुझे मिले हैं तो उसके बेसिस पे मुझे ट्रीट कहां करना है, उसकी वृद्धि कहां से होती है, उसके क्षय कहां से होते हैं, वो उसके पांच प्रकार है वो कहां खराब होते हैं, वो जो खराब हुए हैं उनको ठीक करने की थिंग कहां है। यू जस्ट मेक अ लिंक, एक एक लिंक से जैसे हम
कंप्यूटर में टाइप करते हैं और लिंक आते जाते हैं, दिस इज नथिंग बट द लिंकेज इन विच इज गिवेन इन संहिता. एक एक लिंक को आप ट्राई करिए, यू विल इजिली फाइंड एनी क्वेश्चन. देन वी कैन डू लाइक 15 मिनट्स आर लेफ्ट व्हेन वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर सेशन. यस ऑफ कोर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क दैट आई रिसीव्ड यस्टरडे वाज, जैसे फ्रेशर्स होते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोगों को प्रैक्टिकल इतना नॉलेज नहीं होता, बट स्टार्टिंग में वी वर जस्ट गिवन यू नो कि एग्जाम बेसिस पे सूत्रस्थान, सपोज चिकित्सा स्थान सूत्रस्थान जो है वो 40 मार्क्स का है, इंद्रिय स्थान इज गिवन द लीस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज वो 12 मार्क्स का है, तो हम उस हिसाब से चिकित्सा पूरी संहिता पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, राइट. तो उसके हिसाब से हमारे कई पॉइंट्स मिस हो जाते हैं एंड समटाइम्स वी डोंट, वी जस्ट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सूत्रस्थान, वी जस्ट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू डोंट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इंद्रिय स्थान. सो इस हिसाब से हमारा पर्सपेक्टिव हम कैसे चेंज करिए, रेदर देन जस्ट स्टडिंग फॉर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, हम वो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करें कि हम लोग को प्रैक्टिकल बेस आगे जाके हमें काम आएगा, उसके लिए हमें कैसे वो पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए. सबसे पहली बात जो मैं हमेशा हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स आते हैं उन सभी को यही कहता हूँ कि व्हाई यू आर हियर टू बी अ वैद्य, हमें एक पेशेंट को ट्रीट करना है, ये लगातार आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए. एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑल्सो, बट जब आप फर्स्ट ईयर में आए तो मैंने जैसा आपको कहा कि उन्हें जब टेक्स्ट बुक जो स्टडी है ना वो बता दिया जाता है बेस को. आप जब ट्वेल्थ करके आते हैं तो आपको बताया जाता है ह्यूमन बेसिक सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आप ट्वेल्थ तक वही पढ़ते हैं और उसके बाद आपको टिश्यू एंड पूरे ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है उसको समझना है. अब हमें ये समझना है कि हम इस फिजियोलॉजी को समझते हुए पैथोलॉजी में जाएंगे, तो हमें ये अच्छे से समझना है फर्स्ट ईयर से कि अगर मुझे शारीरिक क्रिया और शारीरिक रचना पढ़ाया जा रहा है तो व्हाई वी आर रीडिंग अष्टांग हृदय, व्हाई द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर रीडिंग. सो व्हेन यू क्लब द थिंग्स कि रचना में जो चीजें पढ़ाई गई वो हमारे यहाँ अष्टांग हृदय में कहां मेंशन है और क्रिया में जो पढ़ाई गई वो हमारे यहाँ अष्टांग हृदय में कहां मेंशन है, इंडेक्स से उन चैप्टर्स में जाइए, तीनों को क्लब करिए तो आपको पता चलेगा ये हमारी बॉडी है. ये क्लियर हो गया, अब इस बॉडी के ये प्रोस्पेक्ट्स हैं और इनमें ये सिचुएशन है, उसके दोष ये हैं, धातु ये हैं, मल ये हैं, ये हमारी आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकल बेस है. इनके बेसिस पे हमें ये समझ में आता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, जो कि ट्रीटमेंट के सेगमेंट है अष्टांग हृदय में वो आपको मिल जाएंगे. तो बड़ी आसानी से आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को क्लब कर पाएंगे. अब आपके बचे जो है संस्कृत संहिता एज वेल एज पदार्थ विज्ञान. पदार्थ विज्ञान का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन हमें अष्टांग हृदय में बहुत सारी जगह मिलते हैं. वहां पर पढ़ाई गई तंत्र युक्ति को हम डायरेक्टली यूज करते हैं धीरे धीरे. कारण ये होता है कि जब हम ये पढ़ते पढ़ते हमारे पीजी प्रिपरेशन में आते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये यूज था, लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर में ये चीजों को क्लब कर दें और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएं कि ये तंत्र युक्ति का यूटिलाइजेशन यहां पर है, अगर अनुमान प्रमाण के बेसिस पे हमें पता चला कि उदर शूल जब हुआ है वो क्यों हुआ है, उदर शूल में जब ये लक्षण क्रिएट होते हैं तो ये कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें पता चलता है जब कृष्णता आती है तो वात प्रकोपित हो जाता है, अगर बाल सफेद हो जाते हैं तो पित्त का प्रकोप होता है. दिस इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन द प्रैक्टिस. सो व्हेन वी क्लब ऑल द सिक्स सब्जेक्ट टुगेदर देन ओनली वी कैन डू इट. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पढ़ाया जाता है कि रस इज इक्वल टू लिम्फ और फिर अचानक आता है कि रस दुष्टि के कारण ज्वर हो गया, रस दुष्टि के कारण क्लेब्धता हो गई, तो हमें समझ में नहीं आता कि हाउ लिम्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी बिकॉज वी डू नॉट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्टली वी जंप इनटू कि क्लेब्धता इज अ लक्षण एंड रिलास इज अ लक्षण ऑफ लिम्फेटिक चैनल प्रॉब्लम, सो वी कैनॉट क्लब इट. तो हमें यह समझना है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के उन्हें आयुर्वेद के बेस पे ही समझते हुए हम इसकी क्लबिंग करें. जैसा आपका सवाल था कि हमें ये कैसे समझ में आएगा किसी क्लबिंग करना है, तो इसके लिए मैं इनिशियल मोटिवेशन लेक्चर, जैसे आप लोग हैं आप सभी सीनियर्स ऐसे सभी लोगों को बताएं कि हमें एक दूसरे को क्लब करना है, शारीरिक क्रिया शारीरिक रचना अष्टांग हृदय को क्लब करना है, उनके इंडेक्स के बेसिस पे एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बताना है, वात पहले पित्त बाद में कफ बाद उसके बाद कफ, धातुएं मल इसको एक साथ करना है, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी उसके सामने रखनी है और उसके बेसिस पे पैथोलॉजी समझा के और इमीडिएटली उसकी चिकित्सा समझानी. व्हेन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल गेट टू नो हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट इन व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट देन ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिस. अभी उसे लगातार एग्जाम गोइंग समझाते हैं तो उसे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है.
बिकॉज उसका सपना वो लेकर आता है कि आई वॉन्ट टू बी अ वैद्य, आई वॉन्ट टू ट्रीट द पेशेंट. अचानक से फर्स्ट ईयर से उसे लगता है आई एम गोइंग टू डू ओनली द संस्कृत पूजन और मुझे सिर्फ संस्कृत समझनी है और मुझे कुछ नहीं आएगा. सो दिस इज अ थिंग विच वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी शुड एक्चुअली मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको ऐसे पढ़ना है, इन तीनों सब्जेक्ट को क्लब करना है एंड यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. Treatment as well as rejuvenation. These are the two concepts which we have to make them explain, make them understand basically. Like if the student of first year and second year, if they will understand this thing, then I'm very sure that you will get a very good result in all the conditions. Like the patient, the conversion of student to the practitioner will be more if they understand what is the main zest behind it. Right. And sir, you know, as third year students, जैसे अभी हम लोग slowly अभी practical aspect पे shift हो रहे हैं, so we see a lot of patients की जो directly you know allopathic reports लेके आते हैं for a certain conditions. So इस हिसाब से जब हम लोग initially practice को मतलब सीखने जा रहे हैं, तभी हम लोग के पास directly patients आ रहे हैं जिसके पास बहुत सारे reports है already allopathic से. So हमें क्या करना चाहिए? Like we should directly deny the reports that are coming. जो एलोपैथ साइंस की जो डिजीजेज है उनको भी थरोली पढ़ना चाहिए. मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी यही सवाल हमेशा पूछते हैं कि सर सपोज MRI आपने रीड किया तो उसका क्या क्लबिंग है. सपोज एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. हमारे पास अभी अभी डिस्क बल्ज का एक पेशेंट आया था जो की स्पाइनल डिस्क बल्ज का था. L4-L5 डिस्क बल्ज थी, डिस्क बाहर आ गई थी. अब इसको आयुर्वेदा प्रोस्पेक्ट से हम कैसे समझें? जब वो बाहर आई और अपने स्थान से हट गई तो ये हमारे वात के जो गुण है उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने स्थान से हटा देता है, श्रंसन करता है, अपने स्थान से उसको मूव करता है. और अगर वो पूरी बाहर आ चुकी है और वो कंडीशन क्रिएट हुई है तो भी वो वात के कारण आई है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो वात के कारण क्रिएट हुए. देन इन दिस सिचुएशन आफ्टर सीइंग द MRI वी कैन इजिली से वी हैव टू ट्रीट द वात इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस इज अ श्रंसन एंड दिस श्रंसन इज बिकॉज ऑफ द वात प्रकोप. So we have to treat the vat. So in this way, और ऐसे ही कई बार LFT का patient हमारे पास आता है कि LFT disturb है. हमें ये सारी reports के जो actual parameters हैं ना वो जरूर पढ़ने चाहिए. How to read sonography, how to read MRI reports, how to read CT brain. So because of this, you will get to know what is the basic pathogenesis behind it. So all the cases of disc bulge, all the cases of the lumbago, all the cases of the spinal deformities are more towards the So it is written in Sahita and you just have to club it. When you club it, so you will get to understand you have to treat the vat in this situation. And what is the treatment of vat? The Snehan Swedhan and Mridu Sanshodhan. By doing and by clubbing the things, the patient will also be happy and write what you are doing. It is also mentioned. And what actually is the situation of the patient, then that this also you can explain ki your situation is this, your disc is out. So in this way, when you explain all this thing to the patient, usse ek confidence alag aata hai. Usse ye lagta hai ki this is right. Ye mujhe bataya hai doctor sahab ne ya vaid ji ne ki ye aapki problem thi aapke MRI mein. So in this way, I always suggest, always you read all the books of modern science also. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें बड़े आसानी से लिखा है कि आपको ये इस तरीके से पढ़ना चाहिए. मॉडर्न ट्यूटोरियल्स आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बहुत सारी, जिसमें सीटी ब्रेन कैसे रीड आउट करें इसके बारे में भी क्लासेस हैं, MRI कैसे रीड आउट करें, MRI स्पाइन की कैसे रीड आउट करें, जॉइंट्स की कैसे रीड आउट करें, उन सब के बारे में भी प्रॉपरली बताया गया है. सो इन दिस वे MRI की बात हुई, ऐसे ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में भी हमें जरूर जानना चाहिए. हमारे पास बहुत सारे डायबिटिक कंडीशन के पेशेंट होते हैं जिनका HbA1c बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनकी जो सिचुएशन है 90 डेज की एवरेज शुगर, और वो जो एलोपैथ मेडिसिन खा रहे हैं उसका ड्रग इंटरेक्शन भी हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि वो किस फॉर्मेट में. सपोज द पेशेंट इज टेकिंग ग्लिमेप्रिमाइड एंड मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन, तो उसको बहुत ज्यादा गैस बनना और इनडाइजेशन होना बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि उसे अर्ली एम्प्टिंग होगी, और मेटफॉर्मिन धीरे धीरे खाने को पचाएगा तो गैसेस ज्यादा पचेंगी, ज्यादा बनेंगी. तो इस टाइप का जो पेशेंट आपके सामने आया है तो यहाँ पर हेतु जो है वो पुरानी ड्रग है. उसी तरीके से जो पहले मेडिसिन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन अगर कुछ ले रहा है और वो डायबिटीज से इंड्यूस हुई है कि उनको डिप्रेशन क्रिएट हुआ, और दैट एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इफ द पेशेंट इज टेकिंग, उसे उसकी वजह से अगर ड्राइनेस और बहुत ज्यादा नींद आ रही है और उसकी वजह से उसको कफ के डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो वो जो मेडिसिन है वो उसका हेतु बन रही है. सो इन दिस वे यू शुड नो द बेसिक रूट ऑफ द मेडिसिन.
हमारे पास, मैं आपको एक बहुत पहले का एग्जांपल देता हूँ, जब मैं थर्ड ईयर बीएमएस में था, मैं एक सीनियर एलोपैथ डॉक्टर्स के यहाँ पर जाता था, उन्होंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो खाने वाला जो पेशेंट था उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पैरों के दर्द की। उसने मुझे बताया कि सर मुझे नी ज्वाइंट पेन होता है, मुझे हिप ज्वाइंट पेन होता है, मुझे पूरे स्पाइन में पेन होता है। सो मल्टीपल ज्वाइंट पेन का जो पेशेंट था, मैंने उसे सर को कहा कि सर ही इज टेकिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रेगुलरली, उसकी वजह से ये दर्द इंड्यूस होते हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स में ये कंडीशन आई है। इसी तरीके से बीटा ब्लॉकर्स लेने से, बीटा ब्लॉकर का जो सेगमेंट है जब वो लेते हैं तो वहां पर ब्रेडिकार्डिया क्रिएट होता है। तो पेशेंट को कई बार हम ब्रेडिकार्डिया जज कर लेते हैं कि नहीं इसे ब्रेडिकार्डिया और उसकी ड्रग हिस्ट्री नहीं लेते और वो बीटा ब्लॉकर्स पे होता है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन में पेशेंट आता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है और वो ड्रग हिस्ट्री में बीटा ब्लॉकर लेता होता है तो उसे ब्रोंकियल स्पैज्म होने के चांसेस है। सो इन दिस वे दीज ऑल आर द मेडिसिन इंड्यूस हेतु जो कि ऑलरेडी एलोपैथ साइंस से वो लेकर आ रहे हैं। तो इन दिस वे ऑल्सो वी शुड नो द एलोपैथ साइंस ऑल्सो वेरी वेल कि कौन सी मेडिसिन वो खा रहे हैं। साथ साथ में आयुर्वेदा की जो कोलैबोरेशन है वो हमें देखना चाहिए, मेडिसिन में गैप रखना चाहिए, एक साथ सारी मेडिसिन नहीं खिलाना चाहिए। हमारी जो मेथड है वो बीडी टीआईडी के बेसिस पे नहीं है, हमारी जो मेथड है वो दोषों के और औषध सेवन काल के बेसिस पे। हमें अपान काल की मेडिसिन अपान काल में देनी है। यहां पर क्या होता है कि अगर आपके एंटासिड, आयुर्वेदा एंटासिड का कॉन्सेप्ट क्या बना देते हैं कि हमें खाने के पहले देनी क्योंकि मॉडल वाले देते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर अपान का काल चल रहा है और आप अपने ऐसे द्रव्य दे रहे हैं जिसमें पित्त का शमन करना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप ज्ञान उदान वायु को आप ट्रीट करना है। सो इन दिस वे वी कैन डू। ओके एंड सो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे डायरेक्टली डिसीज का नाम लिख आते हैं, सपोज आई हैव पीसीओडी, सपोज आई हैव डायबिटीज, और हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ते हैं राइट, दैट डायबिटीज इज इक्वल टू क्रोनिक। सो हमें हमें लक्षण के बेसिस पे ही डायग्नोस करना चाहिए। वी शुड नॉट गो डायरेक्टली विद द पेशेंट फ्लो, वी शुड नॉट गो इन दैट वे। पीसीओडी इफ यू आर गेटिंग द लक्षणाज ऑफ पीसीओडी देन ओनली वी शुड ट्रीट अकॉर्डिंग टू पीसीओडी। बट मॉडर्न साइंस में जो मेडिसिन देते हैं उसको कॉपी नहीं करना है। हमारे यहाँ पर वात कफ की अगर दुष्टि हो तो वात कफ की चिकित्सा देनी है, नॉट इन दैट वे कि हमें उसको कॉपी करना है कि वो मेटफॉर्मिन के का कॉन्सेप्ट ढूंढिए आयुर्वेद में उसको दीजिए, उसका एंटासिड का कॉन्सेप्ट ढूंढिए और उसको दीजिए। दिस इज अ रॉन्ग मेथडोलॉजी। वो एंटासिड इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी ड्रग बहुत गर्म होती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वात कफ की ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से उसे ट्रीट करना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ वो एक चार्जर चाहिए। यस सर, यस प्लीज। यस और सर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि श्लोक का पढ़ना क्या रियली जरूरी है, एंड लाइक इज इट रियली इम्पोर्टेंट टू स्टडी कमेंट्स आल्सो टीका। तो मतलब संहिता को कैसे पढ़ा जाए? संहिताओं को मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप उसके जिग्सॉ को पजल, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करेंगे कि बेसिकली हमारी बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट है और उसका ट्रीटमेंट मॉड्यूल हमें कैसे यूज करना है, तभी आप बड़ी आसानी से उसको ट्रीटमेंट में यूज कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, श्लोका रटना इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो गलत तरीका है, लेकिन श्लोक को यूटिलाइज करना अपनी प्रैक्टिस में ये सही तरीका है। लोग 70% कंडीशन में यूजफुल है हमारे लिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, गुरु शीतम अति स्निग्धम, ये जो है हमारे सामने का श्लोक रहते हैं तो बड़ी आसानी से हम उसकी जो जो कंडीशंस हैं, जो उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनको क्लब कर सकते हैं लक्षणों के साथ, उन लक्षणों का ट्रीटमेंट बेस समझ सकते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट श्लोकाज है, वो तो हमें डेफिनेटली याद करना चाहिए। बट आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ रटो और करो, सिंपल ये क्वेश्चन है, ये सिचुएशन है कि अगर आपको पेशेंट देखना है तो लगातार आपको बैक ऑफ द माइंड पेशेंट के सोच से ही या वैद्य के सोच से ही आपको सिर्फ श्लोक याद करने चाहिए। ओके ओके, नॉट मैंडेटरी कि एवरी श्लोक यू हैव टू रट, यू हैव टू मग अप एंड इन दिस वे। आई एम टोटली अगेंस्ट फॉर दिस। यस, so because it really happens ki sometimes we are really studying shloka for the sole purpose of exams right, and sometimes we really get frustrated ki ye hum log ko sirf exam ke liye padh rahe hain, abhi tak iska kya use hai ya nahi।